प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल भूटान दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आई। भूटान के राजा ने लिंगकाना पैलेस में पीएम मोदी की मेजबानी की थी और इसी कार्यक्रम में शामिल हुए राजकुमारों और राज परिवार के साथ कुछ तस्वीरें एक्स पर पोस्ट की गई। तो वहीं पीएम को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ द डुकरू ग्यालपो से सम्मानित किया गया। आपको दिखाते हैं इसी पर अपनी बेहद खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 मार्च को दो दिवसीय भूटान दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भूटान के राजा जिगमे खेसर मानग्याल वांगचुक ने लिंगकाना पैलेस में पीएम मोदी की मेजबानी की। उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक निजी रात्रि भोज का आयोजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजकुमारों के साथ शानदार पल साझा किए। पीएम मोदी से बच्चे और बच्चों से पीएम मोदी कुछ इस तरह घुल मिल गए मानो उनकी जान पहचान सालों से रही हो। पीएम मोदी की यही तो खासियत है जो दुनिया के हर शख्स को उनका दीवाना बना देती है। यही तो पीएम मोदी का अंदाज है जिसकी कायल पूरा जहान है, और उनकी तस्वीरें भी इस बात की गवाह है कि बच्चा बच्चा पीएम मोदी का दीवाना है। इन खास पलों की तस्वीरों के साथ उस पल की यादें जुड़ी हैं जिसकी दीवानी दुनिया है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि भारत और भूटान एक साझी विरासत का हिस्सा है। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपोस्थली है। भारत वो भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। भूटान ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें संरक्षित किया। भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, उनकी तपस्थली है। भारत वह भूमि है जहां बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था। भूटान ने भगवान बुद्ध की उन शिक्षाओं को आत्मसात किया, उन्हें संरक्षित किया। महान शब्दरुंग नामग्याल की इस धरती पर आकर आज भी वो आध्यात्मिक ऊर्जा अनुभव होती है। भूटान के नरेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने यह पुरस्कार 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने के बाद भूटान के राजा ने कहा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व के उत्कृष्ट अवतार हैं। उनके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पीएम मोदी ने थिम्पू को विकास कार्यों में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और पीएम मोदी ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 10,000 करोड़ के सहायता पैकेज का ऐलान किया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त और बड़ा भाई बताया। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि भूटान पीएम मोदी की मेजबानी करके गर्व महसूस कर रहा है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे के साथ थिम्पू में भारत के सहयोग से निर्मित महिलाओं और बच्चों के लिए एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन भी किया। भूटान के पीएम टोबगे ने अस्पताल बनाने में फंडिंग करने के लिए भारत सरकार का आभार जताया। मैं भूटान के मेरे भाई बहनों के बीच ये घोषणा भी करना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ रुपए का सहयोग करेगी। साथियों, हमारे रिश्तों की घनिष्ठता का आधार B2B के साथ साथ P2P भी है। B2B यानी भारत टू भूटान
और P2P यानी पीपल टू पीपल हमारा कनेक्ट। पीएम मोदी की भूटान यात्रा काफी यादगार रही। यात्रा से वापस लौटते समय भूटान के राजा नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे दोनों ही पीएम मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट तक आए। दोनों ने ही पीएम मोदी को उनकी यात्रा और सहयोग के लिए धन्यवाद किया। भूटान के प्रधानमंत्री ने पीएम के दौरे की सफलता के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम को अपना भाई बताया और मोदी की गारंटी की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भूटान का ही दौरा किया था और भारत की विदेश नीति में भी पड़ोसी मुल्कों को तरजीह देने की कवायद इसी सरकार में शुरू हुई। मोदी भारत में आम चुनाव के ऐलान होने के बाद किसी विदेश दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले भूटान जाकर मोदी ने पड़ोसी देश को उसकी अहमियत का एहसास कराने की कोशिश की है। भारत और भूटान की पार्टनरशिप सिर्फ जमीन और पानी तक सीमित नहीं है। भूटान अब भारत के स्पेस मिशन का भी पार्टनर है। भूटान के वैज्ञानिकों ने इसरो के साथ मिलकर सैटेलाइट लॉन्च की है। ऐतिहासिक तौर पर भूटान हमेशा भारत के करीब रहा है, हालांकि उसकी फॉरेन पॉलिसी में भारत ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। भारत अब भूटान का सबसे बड़ा राजनयिक और आर्थिक साथी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।